अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप कैसे हैं? ठीक ठाक होंगे उम्मीद है मुझे। और आपने जो है वो लेक्चर नंबर 12 जो है हम की पढ़ाई सुना होगा और उसकी ना के अल्फाज जो लिखवाए थे वो भी आपने कर लिए होंगे उम्मीद है। तो अब जो है वो हमारा लेक्चर नंबर जो है वो जो है उसी का हिस्सा है हम का, और अनुमान जो है वो हमारे अल्फाज मायने हैं, ठीक है। और दिन जो है हमारे पास जुमेरात का है, लेक्चर नंबर 2 है हफ्तुम आपकी जमात, और 15 अप्रैल 2021 जो है वो आपकी तारीख है। नोट कर लें, अल्फाज मायने की तरफ हम जाएंगे। अल्फाज मायने आपको कराने का मकसद ये है कि जो इमला के अल्फाज हैं वही अल्फाज मायने हैं, ताकि आपको जब भी हम पढ़ें या कोई भी सबक पढ़ें तो अल्फाज मायने से आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए पढ़ना। तो ठीक है, अब हमें आपको अल्फाज मायने लिख के दे लूँ तो आप ये अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला हमारे पास लफ्ज है उसका, हम का जो हमने पढ़ाई करी थी उसके अंदर सहरा लफ्ज आया था। सहरा लफ्ज, क्या आपको सहरा लफ्ज का मतलब पता है? सहरा लफ्ज, अच्छा चलो यही आपको पता तो फिर मैं आपको बताती हूँ। सहरा का मतलब होता है ऐसी जगह आपने देखी होगी जहां पर रेत ही रेत हो, बारिश ना हो, और मतलब बहुत कम बारिश होती है, रेगिस्तान भी कहते हैं इसे, बियाबान भी कहते हैं, ठीक है, जहां पर बारिश ना हो या बिल्कुल ही कम बारिश हो। तो सहरा का मतलब क्या है? रेगिस्तान, रेत का इलाका, रेगिस्तान रेत का इलाका जहां पर रेत ही रेत हो, ठीक है। आपने सहरा इलाके देखे होंगे, ये सहरा का मतलब रेगिस्तान जहां पर बारिश बहुत कम हो, रेत ही रेत हो, उसे सहरा कहते हैं। और सहरा का उलट जो होगा वो मैदान होता है, मैदान। इससे आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। गुलशन, गुलशन, अब गुलशन जो है, गुलशन का हमने पढ़ा था जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो उसमें हमने ये लफ्ज सारे पढ़े थे। गुलशन का जो मतलब है, गुलशन का मतलब होता है बाग, चमन। गुलशन का मतलब बाग, गुलशन का मतलब होता है बाग चमन, ठीक है। गुलशन का मतलब क्या है? चमन और बाग, ठीक है। गुलशन यहाँ पर फूल ही फूल खिलते हैं बाग में, तो इसका मतलब जो है गुलशन का मतलब बाग चमन, ठीक है। गुलशन, गुल से, गुल का मतलब होता है फूल और शन का मतलब बाग, तो गुलशन फूलों के बाग को उसको कहते हैं, ठीक है। तो गुलशन गुल, गुल से जैसे आप, गुल का मतलब होता है फूल और शन बाग, फूलों का बाग, ठीक है। बाग और चमन इसका मतलब है। पर्दे उठाना, अब पर्दे उठाना ये अलग से मतलब, पर्दे उठाना ऐसे नहीं कि पर्दे बोल रहे, पर्दे उठाना, पर्दे उठाना से मतलब है कि राज खोलना, किसी चीज से राज का उठाना। अब किस चीज से राज का उठाना था? जब हम उसकी हम की पढ़ाई कर रहे थे तो वहां पर था कि अल्लाह ताला ने जो नेमतें दी हैं उससे पर्दे उठाना यानी राज खोलना, अल्लाह ताला की नेमतों के राज खोलना। तो वो इंसान खुद खोलता है जब कोई अल्लाह ताला नेमत देता है बहुत सारे, तो उसपे पर्दे पड़े हुए होते हैं। तो जैसे कि अब बहुत सारी इजादात हुई है तो उसमें से हम एक इंसानी दिमाग ने राज खोला है ना इस चीज का कि जो अल्लाह ने हमें नेमतें दी है। तो पर्दे उठाना यानी राज खोलना, पर्दे उठाने का मतलब राज का खोलना, राज खोलना किसी चीज पर से भी। तो इसका मतलब होगा कि पर्दे किस तरह अल्लाह ताला ने जो भी हम पर नेमतें दी है, कुछ भी दी है, तो उसके राज खोलना, पर्दे उठाना राज खोलना के। और उसके बाद उसके अंदर था हिरास, एक लफ्ज हिरास, ठीक है। हिरास का मतलब होता है खौफ, डर। तो उसमें ये हिरास का जो मतलब यूज हुआ था वो इसलिए यूज हुआ था कि हिरास और खतरों में जो है वो अल्लाह ताला हमारी मदद करता है। हिरास का मतलब है डर खौफ, डर खौफ, ठीक है। हिरास का मतलब है डर खौफ। फिर एक लफ्ज है शब, शब हमने पढ़ा था, शब उसमें मतलब हम पढ़ाई कर रहे थे तो शब, शब का मतलब होता है रात, शब का मतलब होता है रात, रात, शब का मतलब रात, रेडी। अच्छा, शब का मतलब रात था। तो अब जो है पी, एक लफ्ज है पी। अब उसमें हम जब पढ़ रहे थे इमला के अल्फाज में, मैंने आपको पी करवाया था और मैंने आपको बताया था कि पी आप लोगों के लिए एक नया लफ्ज होगा पी, क्योंकि आपको नहीं पता कि ये एक परिंदे का नाम है पी,
और ये जो है पी पी करके आवाज निकालता है, इसका कलर जो होता है थोड़ा सा ब्राउन होता है। तो पी एक परिंदा है, इसकी बहुत खूबसूरत आवाज होती है। पी एक परिंदा है, ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन भूरा कलर, ठीक है, परिंदा है जिसकी खूबसूरत आवाज होती है, जिसकी खूबसूरत आवाज है, ठीक है, कोयल की तरह से, जिस तरह कोयल की आवाज खूबसूरत होती है, इसी तरीके से पपीहा भी बोलते हैं उसको, पपीहा, तो वो एक परिंदा है जिसकी आवाज खूबसूरत है। तो पी उसमें आया हुआ है कि अल्लाह तआला ने जो मतलब परिंदा को खूबसूरत आवाज दी है, तो उसमें एक परिंदा जो है वो पी का उसमें जिक्र है, कोयल की तरह से उसकी आवाज होगी खूबसूरत। फिर है एक लफ्ज आगे हमारे पास जो है वो सीधा रास्ता, सीधा रास्ता, सीधा रास्ता मतलब नेकी का रास्ता, अच्छाई का रास्ता, ठीक है, सीधा रास्ता नेकी का रास्ता। नेकी का रास्ता कौन सा होता है? जो अल्लाह ताला का रास्ता होता है, जो अल्लाह ताला के रास्ते पर चलते हैं, सीधे रास्ते पर चलते हैं, तो उसको सीधे रास्ते, सिराते मुस्तकीम, जो हम सूरह फातिहा का तर्जमा पढ़ते हैं उसके अंदर हमें आता है कि सीधे रास्ते पर चलो, तो वो सीधे रास्ते पर चलने का मतलब नेकी के रास्ते पर चलो, सीधा रास्ता, ठीक है। ये हमारे पास मायने थे, ये आपने अच्छे तरीके से इनको याद करना है, अपनी कॉपी पे लिखना है, और जो है जमात का करवाएगा काम जो है वो आपने कॉपी पर लिखना है। और अगर कोई भी मायने आपको ना समझ आए, जो भी आपको अगर लगे कंफ्यूजन कुछ भी हो, तो आप मुझसे टेक्स्ट करके उसके मुताबिक पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए हाफिज। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।